एतिमान चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनप्रीत सिमी कर दी निघा स्वागत। होर बतेरे जानकारी दे लई बने रहो साडे चैनल दे नाल। फ्रेंड्स फॉरएवर वेलफेयर सोसाइटी वालों परशुराम पवन आर्या कॉलेज रोड खरड़ विखे फ्री ऑक्सीजन लंगर चलाया जा रहा है। आओ पूरी जानकारी देखने दे लई बने रहो साडे एतिमान चैनल दे नाल। पेशेंट आया उस टाइम मेरी जी ऑक्सीजन लैवल है वो 80 चल रहा है। उस तो बाद असं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मोनीटरिंग कर रहे हैं, इन्हों बॉडी टैंपरेचर लिया जा रहा है, इन्हों का बीपी मोनीटर किया जा रहा है, इन्हों का ऑक्सीजन लैवल रेगुलर मोनीटर किया जा रहा है। पर अद्धे घंटे बाद इन्हों का जो ऑक्सीजन है वो असं कॉन्टीन्यू चलाया हुआ, तो हूँ इन्हों की जी ऑक्सीजन 95+ चल रही है सर। इस टाइम पेशेंट की जी कंडीशन वो स्टेबल है, तो इन्हों की मोनीटरिंग हूँ रेगुलर चल रही है, तो पेशेंट की जी मेडिसिन है एज पर इन्हों की जी रिक्वायरमेंट है वो इन्हों के रिलेटिव जो है केयर टेकर जो नाल आए हैं वो सब कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं सर। आम लोगों को अपील है जी सर, साढ़े वालों तो यही अपील है आम लोगों को कि हाथ जोड़ के कृपा करके अपने घरें रहे, आप भी सुरक्षित रहे, सारे सुरक्षित रखिए जी। घर दियां नूं जिहड़ा एक सोसायटी जी खरड़ दे विच परशुराम भवन के एक सोसायटी के वालों जिहड़ा कैंप लगा के जिहड़ा लंगर लगाया जा रहा ऑक्सीजन का, तो थोड़े घर दियां नूं अज फ्री जी ऑक्सीजन लगी है, की कहना चाहते हो जी? मेहरबानी जी, बहुत उन्हां दी शुक्रिया उन्हां दा, रब उन्हां नूं बच के जिन्हों इन्ना उपराला किया, इन्होंने अगे भी वधावे, सब कुछ करेगी। प्रॉब्लम की आ रही थी थोड़े घर दे? ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। तो जिहड़ा सोसायटी वालों यह उपराला किया जा रहा, की कहना चाहते हो इन्हों बारे? अभी तो कहने बहुत वधिया है जी, सारे पंजाब वाले ने किया, इन्होंने सोसायटी वाले ने किया, वधिया किया जी। सर जिहड़ा अज परशुराम भवन के जिहड़ा है जिहड़ी ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया, किहड़ी सोसायटी के वालों लगाया गया, की कहना चाहते हो जी? सर ये अपना फ्रेंड्स फॉरएवर वेलफेयर सोसाइटी खरड़ है, उस दे वल्लों असी अज एक आइसोलेशन होम शुरू किया है खरड़ दे विच, परशुराम भवन है जी आर्य कॉलेज रोड ते, ते इत्थे असी 4 बैड दा असी शुरू कर दिता गया, ते इस नूं असी अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिमांड असी इनू नैक्सट वीक तक इनू 8-10 बैड दे विच कन्वर्ट कर दिया जाएगा जी। असी इस दे विच फ्री ऑक्सीजन और बैड प्रोवाइड करवा रहे हैं पेशेंट्स नूं, 24 घंटे साढ़े कोल इत्थे रह के अपनी ऑक्सीजन दी अपनी लै सकदा है जी, डॉक्टर वल्लों रिकमेंडेड जो डॉक्टर रिकमेंड करे। गल करिए कि ऑक्सीजन दे उरे किन्ने कु प्रबंध है, किन्ने कु सिलेंडर तुसीं रखे होए ने? साढ़े कोल आलमोस्ट 12 सिलेंडर साढ़े कोल अवेलेबल हैं, बड़े 60 लीटर वाले 12 सिलेंडर साढ़े कोल अवेलेबल हैं जी, तो असी इन्हां नूं मतलब कि 4-6 पेशेंटां नूं असी 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते बिना किसी रुकावट तो। देखो साडे कोल पेशेंट्स की कॉल तो परसों चौथ काफ़ी ज़्यादा आई हैं, आलमोस्ट 50 पेशेंट्स की साडे कोल कॉल्स आ चुकी हैं जी, उन्हां विचों ज़्यादातर पेशेंट वह सी जिन्हां नूं आईसीयू केयर की लोड़ है। असी उन्हां नूं यही सुजैसट करते हैं जी कि असी तुहानूं सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते पर लेकिन तुहानूं अपना इलाज जो भी है अपने डॉक्टर की तो ही, चाहे ऑनलाइन कंसल्टेशन है चाहे तुसीं अपने डॉक्टर कोल विजिट करके असी इलाज करवाओ, तो साढ़े को आके तुसी इत्थे एडमिट हो सकते हो, जिस तरह तुसी अपने घर से थोनू ऑक्सीजन की सपोर्ट की लोड़ है वो असी इत्थे प्रोवाइड करावांगे। तो जिहड़ियां पंजाब दे विच होर भी समाज सेवी संस्थावां ने कोविड के दौर नूं देखदे हुए उन्हां नूं तुहाडे वल्लों की अपील है जी? देखो जी अज दे दौर दे विच जो करोना महामारी का दौर चल रहा है इस दे विच इक तां सानूं इस टाइम समय की यही लोड़ है जी कि एक तो सानू सब नाल अपने सहयोग की लोड़ है कि वह हर पासे तो करोना ने मार मारी है, चाहे वह साढ़े काम धंधिया ते होवे, चाहे सानू अपने मेडिकल लाइन दे विच होवे जी कि हॉस्पिटल्स दे विच कोई स्पेस नहीं है तुहाडे पेशेंट्स वास्ते, क्योंकि गवर्नमेंट दे कोल जो लिमिटेड रिसोर्सिज थे वो सारे पूरे भर चुके हैं जी, उन्हां वल नवे कोई है नहीं जिथे बैड वो इनक्रीज़ कर सकते हैं, तो सानू तो बस यही है जी कि अपन जो समाज सेवी संस्थावें किसी भी जिस भी तरीके अपने आस पास के अपने समाज में तुसी मदद कर सकते उस तरीके मदद करो जी। चाहोगे जिहड़ा अज तुहाडी सोसायटी के वलों जिहड़ा है जिहड़ा कैंप लगाया गया, तुहाडे मन दे विच किस तरह आया कि जिहड़ा ऑक्सीजन का लंगर लगाया जाए? देखो जिहड़ा कोविड का समा चल रहा है ये बड़ी भयानक महामारी है जिहड़ी आपनू सहन पै सारे वर्ल्ड के छाई हुई है, तो पिछले कुछ दिनों तो ऑक्सीजन की बड़ी घाट पै रही थी, जिथे भी देखो खबर यही आ रही थी भी ऑक्सीजन फलानी जगह घट गई, ऑक्सीजन फलानी जगह उत्थे शॉर्टेज पै गई, उत्थे ब्लैक हो गई,
ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਏ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲਈ ਅੰਗੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ SDM ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਰਾਮ ਭਵਨ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ L1 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਖਰੜ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੌਂਡਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜ ਦੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਰੜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੋੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ L1 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ L1 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICU ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਰੋਚਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਿਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।